नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में आ गई है वैकेंसियां। अब यहां पर तीन प्रकार के पदों पर वैकेंसियां आई हुई हैं। देखिए, नोटिफिकेशन ये खुला हुआ है, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की ओर से यहां पर एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, जिसमें स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसियां हैं, दूसरा है ड्राइवर के पदों पर वैकेंसियां हैं, और तीसरा है वर्क असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसियां हैं। तीन प्रकार की वैकेंसियां हैं। मिनिमम अगर आप 10वीं पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 साल आपकी मिनिमम एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसको सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओपनिंग डेट 1 जुलाई से इसकी स्टार्ट हो जाएगी और 31 जुलाई तक इसकी क्लोजिंग डेट है, यानी कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपको फिलअप कर लेने हैं। अब यहाँ पर NRB कल्पक्कम की ओर से, तारापुर की ओर से और मुंबई की ओर से तीन प्रकार के जगहों पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। 10वीं अगर पास किया है आपने, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आप आवेदन कर सकते हैं स्टेनो के लिए। इसका जो पे स्केल है आपका 25,500 का पे स्केल है, मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। दो लेवल का सिलेक्शन मोड है, पहले लेवल में ऑब्जेक्टिव 1 आवर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और दूसरा आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और आपका चयन स्टेनोग्राफर में किया जाएगा। 25,500 इसका बेसिक पे है और इसमें अलग से जो पे लेवल है, अलग सी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो सारी लागू हो जाएगी। तो 25,000 का पे आपका लगभग 45,000 या 50,000 तक का मोटा मोटा जाएगा टोटल ओवरऑल मिला करके। ड्राइवर की जो पोस्ट है उसमें देखिए टोटल 11 नंबर की पोस्ट, 11 वैकेंसीज है, 10वीं पास है और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटर मैकेनिज्म की थोड़ी बहुत जानकारी है और एक्सपीरियंस है लाइट व्हीकल को चलाने का 3 साल का, तो आप आवेदन कर पाएंगे। 18 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए। 19,900 का पे स्केल है, ये आपका लगभग 35,000 तक का टोटल आपका यहाँ पर जाएगा, जो इसमें बाकी के HRA वगैरह लगेंगे उसके साथ। दो लेवल का इसका भी टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 घंटे का पहले क्वेश्चन पेपर है रिटर्न का, और दूसरा लेवल 2 का ड्राइविंग टेस्ट है। अब यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट और लेवल 1 के दोनों को लेकर के आपकी मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तीसरी पोस्ट यहाँ पर वर्क असिस्टेंट की दी हुई है, जिसकी 72 वैकेंसीज है, 10वीं पास है, इसमें आवेदन कर सकते हैं, 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी जो बेसिक है वो 18,000 की है, ये भी लगभग 35,000 से 40,000 आपकी टोटल सैलरी बनेगी। इसका यहाँ पर देखिए दो लेवल पर टेस्ट है, पहला है प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा है एडवांस टेस्ट, और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट में 50 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे 1 घंटे का, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, और दूसरा है लेवल 2 का एडवांस टेस्ट, जिसमें प्री टेस्ट के ही बेसिस पे आपको एडवांस टेस्ट देने को मिलेगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे और बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। इन दोनों को मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बना करके ही आपको यहाँ पर चयन किया जाएगा। मैं बता दूं कि सभी में 1 नंबर की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर मिल रहे हैं 1 क्वेश्चन के और 1 नंबर कट रहे हैं 1 क्वेश्चन के गलत होने पर। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है, लेकिन अपर एज में लिमिट में छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। SC ST OBC एक्स सर्विसमैन सभी को यहाँ पर छूट मिल रही है। कितनी मिल रही है देखिए, यहाँ पर अपर इमेज में 10 साल की छूट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर 13 साल की है OBC के लिए, 15 साल की है SC ST के लिए, और यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर छूट दी हुई है। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। एडिशनल बेनिफिट जो यहाँ पर बताया गया, एक्साइटिंग वर्क इन्वायरमेंट है, हायर ग्रेड में प्रमोशन आपको मिलेगा, हेल्थ केयर मिलेगा फैमिली का और आपका, परफॉर्मेंस रिलेटिव इंसेंटिव भी मिलेगा आपको, और प्रोफेशनल अलाउंस भी मिलेगा, लीव ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, ट्यूशन फीस, डिपार्टमेंटल एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो और NPS की सुविधा आपको यहाँ पर दी जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम की सुविधा आपकी दी जाएगी। फॉर्म अगर फिलअप करना चाहते हैं तो 100 रुपये की ऑनलाइन फीस आपकी लगेगी। फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए SC ST फिजिकली हैंडीकैप वुमेन एक्स सर्विसमैन जो भी हैं यहाँ पर, उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी। और मैं बता दूं कि SC ST जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन देने जाने के लिए आपको TA भी मिलेगा, TA आपको दिया जाएगा, इसी नोटिफिकेशन में आगे है मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन फिलअप करनी है, एक बार पे कर देंगे तो आपको रिमबर्सबल नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड किए जाएंगे, 1 तारीख से 31 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। recruit.brc.gov.in इसकी वेबसाइट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी एससी एसटी से आ रहे हैं उनको अपना यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा स्टिपुलेटेड फॉर्मेट में, आपको गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट में जो भी होंगे वो बाद में उनका चयन किया जाएगा, लेकिन उनको कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं वो। और उसके बाद में देखिए मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर टीए देने आएंगे, यहाँ पर मतलब एग्ज़ाम देने आएंगे, वो एस सी एस टी आउट स्टेशन के कैंडिडेट है जो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं विल बी पेड एंड प्रो, यानी कि आने और जाने का ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा सेकंड क्लास रेलवे का, यहाँ पर शॉर्टेस्ट रूट का आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो भी लोग रिटर्न एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको यहाँ पर वो चीज़ पूरी दी जाएगी। और यहाँ पर टीए के फॉर्म आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइएगा। फॉर्म फिलअप की जानकारी चाहिए तो भी वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइएगा। हम फॉर्म फिलअप की जानकारी 1 तारीख को पूरा फॉर्म फिलअप करके हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो अगर इस चैनल इस वैकेंसी से आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी मैं बना करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।